वेल दोस्तों, सबसे पहले तो आप सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए, जिससे कि चैनल पर जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। दिस वीडियो इज़ पावर्ड बाई डू मोबाइल मिक्स नोट, अ बेस्ट नोट पैड ऐप फॉर एंड्रॉयड विच आई पर्सनली यूज्ड। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन चेक द डिस्क्रिप्शन बिलो। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे चैनल एनफोन नमन में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे ऐप से इंट्रोड्यूस कराने वाला हूँ जिसको आप नोटपैड के जैसे यूज़ कर सकते हैं अपने एंड्रॉयड मोबाइल में। साथ ही साथ आप उसको एक प्राइवेसी लॉक मीन्स उसके अंदर आप अपनी जो पिक्चर्स है उसे भी हाइड कर सकते हैं, और साथ ही साथ उसके बहुत सारे फीचर्स भी हैं। तो उसे डाउनलोड कैसे करना है, उसके लिए आपको सबसे पहले जाना है प्ले स्टोर पर। प्ले स्टोर पर जाने के बाद आपको सर्च करना है मिक्स नोट। जब आप मिक्स नोट सर्च करेंगे तो आपको सबसे पहले ही रिजल्ट में मिल जाएगा, जो कि डू मोबाइल लैब ने बनाया है, जो कि बहुत ही अच्छा ऐप है। 100,000 इसके डाउनलोड्स है और 4.4 इसकी रेटिंग है, जो कि एक बहुत ही अच्छी रेटिंग है। इसे आप डाउनलोड कर लीजिए, उसके बाद इसे डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिए। उसके बाद जब आप इसे ओपन करेंगे तो इसका जो UI है वो कुछ इस प्रकार का है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक नॉर्मल सा UI है। यहाँ पर हो सकता है आपको यहाँ पर ट्यूटोरियल मिल जाए, मैंने वहाँ से डिलीट कर चुका हूँ ट्यूटोरियल को। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर आपकी जो पूरी नोट आपने यहाँ पर रखे होंगे, क्योंकि क्या होता है हमारे एंड्रॉयड में बेसिकली आजकल नोटपैड नहीं आता है, जिसके कारण हमारे को कई बार दिक्कतें आती है। और इसके अंदर ना केवल आप नोट लिख सकते हैं, प्लस आप इसके अंदर सेव भी कर सकते हैं, आप इसके अंदर मैसेज सेव कर सकते हैं। आपके कोई इंपॉर्टेंट मैसेज आए हो जिसे आपको सेव रखना हो तो आप इसके अंदर सेव कर सकते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ इसके, सबसे पहले यहाँ पर आपको मिल जाता है लेफ्ट हैंड साइड टॉप पे आपको मिल जाता है 3 टैग्स का ऑप्शन। यहाँ पर आप यहाँ पर कैटेगरी टैग के हिसाब से आप यहाँ पर ऑल पे या फिर टैग जो है इस पर उस हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको ट्रैश का ऑप्शन मिल जाता है, आपने अगर कोई नोट डिलीट किया होगा तो वो इसमें आएगा पहले। उसके बाद यहाँ रेट का ऑप्शन मिल जाता है आपको, जिससे आप ऐप को रेटिंग दे सकते हैं। या शेयर का ऑप्शन मिल जाता है, गूगल प्लस का मिल जाता है, और बेसिक हेल्प एंड अबाउट मिल जाता है। उसके बाद अगर आपको कोई नोट इसके अंदर लिखना है या फिर आपको सेव करना है तो आपको ये प्लस आइकॉन पर बस क्लिक करना है। यहाँ पर आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं, उसे सेव कर सकते हैं। यहाँ से सेव करने के लिए आपको सिंपली बस इसे बैक ले लेना है, ये सेव हो गया है। अब अगर आप चाहते से हाइड करना तो आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। ऊपर आप देखेंगे यहाँ पर अनलॉक का साइन बना है, एक मतलब लॉक है, जो अनलॉक्ड साइन है उसे आप क्लिक करके उसे लॉक कर सकते हैं। अब आप जैसा कि देखेंगे यहाँ जो मेरा जो नोट था वो हाइड हो चुका है। इसके बाद आपको अगर उसे अनहाइड करना है तो आपको बस सिंपली अपने मोबाइल को करना है शेक, मीन्स आपको मोबाइल को बस हिलाना है। तो आप देखेंगे जो जितने भी मेरे हाइड नोट्स थे वो पूरे अनहाइड हो चुके हैं। तो बहुत ही अच्छा ऐप है। साथ ही साथ इसमें आपको एक वॉइस नोट का भी आपको ऑप्शन मिलता था, आप यहाँ पर वॉइस नोट भी सेव कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको मिल जाता है पिक्चर सेव करने का, अगर आप कोई फ़ोटोज़ वगैरह को हाइड करना चाहते हैं तो आप वो भी इसमें हाइड कर सकते हैं। उसके साथ ही साथ आप यहाँ पर इसमें ड्रॉ भी कर सकते हैं। आप यहाँ आपको मिल जाता है ड्रॉ का ऑप्शन, तो यहाँ पर आपको मिल जाता है ड्रॉ करने के लिए, तो आप यहाँ ड्रॉ कर सकते हो, वो भी सेव कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको मिलता है कलर का ऑप्शन, आप यहाँ से कलर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट कलर अवेलेबल है, आप इसे भी सेव कर सकते हैं। इसके लिए भी आपको सिंपली ऊपर जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करके इसे आपको लॉक कर देना है। उसके बाद आप चाहे अगर इसको यहाँ पर 3 डॉट पर क्लिक करके आप इसे शेयर भी कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, उसका डुप्लीकेट बना सकते हैं। ओवरऑल बहुत ही अच्छा ऐप है। अगर आप एंड्रॉयड यूज़र हो तो आपको ज़रूर ये डाउनलोड करना चाहिए, क्योंकि हमारे एंड्रॉयड में आजकल नोटपैड नहीं आ रहा है। तो ये बहुत ही अच्छा ऐप है।